मैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम को और विशेषकर घाटी की आवाम को भी कहना, कितने स्कूल बंद कराए, कितने स्कूल जला दिए, कितने स्कूलों के मास्टरों की हत्या कर दी, एक दो पूरी पूरी पीढ़ी अनपढ़ जनरेट की, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे पास तो नाम के बाद साथ सूचना है माननीय, मगर मैं नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा लेगा, परंतु मेरे पास नाम के सभी की सहमति तो नाम भी पढ़ सकता हूं। माननीय, ये जो लोग कहते थे कि पढ़ाई लिखाई बंद करो, बहिष्कार करो, इनके एक बच्चे, एक व्यक्ति का, एक नेता का पुत्र सऊदी अरब में उच्च शिक्षा प्राप्त कर महीना 30 लाख की तनख्वाह से काम कर रहा है। मान्यवर, दूसरे उनके पुत्र सऊदी अरब में डॉक्टर है, पढ़े कहाँ, लंदन में पढ़े साहब, यहाँ स्कूलें बंद करा दी। अंद्राबी जी, उनके दो पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं और तीसरा पुत्र मलेशिया में पढ़ रहा है, क्या किया, यहाँ स्कूलें बंद करा दी। मैं घाटी की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको जो गुमराह कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ है, कितना पढ़े हैं, कितनी सुख चैन से रह रहे हैं, वो आप सोचिए। इनकी बातों में मत आइए, इनके गुमराह कर हाथ में पत्थर मत उठाइए, इनके गुमराही से हाथ में हथियार मत उठाइए। ये हमने करा, उनके घर में पसीने छूटे, इतनी व्यवस्था हमने करी। मेरे पास पूरी सूची है मान्य, 130 अलग अलग लोगों के बेटे बेटियां वहां पढ़ रहे हैं मान्यवर, और यहां पर स्कूलें बंद करा दी, हायर सेकेंडरी स्कूलें बंद करा दी, कॉलेजों को जला दिया गया, लाइब्रेरियां जला दी। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं घाटी की जनता के युवाओं को, घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनसे गुमराह मत होइए।